नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग रीट लेवल सेकंड में आने वाली केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को रीट लेवल सेकंड में आने वाली केमिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएगी। इस केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो परमाणु और अणु पढ़ रहे थे। जो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे हम वो पढ़ रहे थे हम अणु, परमाणु और अणु। उसमें मैंने आपको परमाणु के बारे में बता रही थी और हमने ये कहा था कि सबसे पहले परमाणु को जो परिभाषित किया था वो महर्षि कणाद ने किया था। सबसे पहले जो परमाणु को परिभाषित किया था वो महर्षि कणाद ने किया था और उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है और इन कणों को ही परमाणु कहा गया था। उसके बाद लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद जॉन डाल्टन ने इसको प्रायोगिक सत्यापन दिया। जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर कुछ प्रयोग किए और विज्ञान जो है वो प्रयोग के ऊपर आधारित होता है, इसलिए जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय किया दिया जाता है। अब हम आज इस परमाणु के संयोग के नियम पढ़ेंगे। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। क्या होता है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या होते हैं? परमाणु। देखो एटम दो वर्ड से मिलके बनता है ए, एटम विभाज्य। तो क्या बन गया? अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो ये जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु होता है ये क्या होता है? अस्थाई होता है। अब इसको स्थायित्व चाहिए, स्थायित्व चाहिए तो ये परमाणु क्या करेगा? किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करेगा। लेकिन इसके भी अपने कोई नियम है। ऐसे हर कोई परमाणु हर कोई के साथ किसी भी रेशो या किसी भी तरीके से संयोग नहीं करता है, उसके अपने संयोग करने के नियम होते हैं। तो आज हम इन रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक संयोग के नियम। और ये जो रासायनिक संयोग के नियम थे ये लेवोशिए और जोजेफ प्राउस्ट ने दिए थे। रासायनिक संयोग के नियम जो थे वो लेवोशिए और जोजेफ प्राउस्ट ने दिए थे। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रासायनिक संयोग के नियम किसने दिए, तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, और ये जो नियम दिए थे ये लेवोशिए एवं जोसफ प्राउल ने दिए थे। ये दो साइंटिस्ट थे, लेवोशिए और जोसफ प्राउल ने दिए थे। तो आपको ये साइंटिस्ट के नाम भी याद होने हैं कि रासायनिक संयोग का नियम किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए लेवोशिए और जोसफ प्राउल ने ये नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? ये दो नियम थे।
कितने नियम थे ये? दो नियम थे। कौन से नियम? द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और पहला नियम तो हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। अब हम एक-एक इन नियमों को समझेंगे, और क्योंकि आपके इस तरीके से नहीं आता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, या तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाएगा, स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उसमें आपको इन नियमों का पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैं आप लोगों को ये कंप्लीट नियम समझाऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। देखो, संरक्षण का मतलब क्या है? सुरक्षित रखना, उसके मान को सुरक्षित रखना। हम ऐसे बात करें कि ये जो सेंचुरीज चलाई गई हैं, जैसे बर्ड सेंचुरी हैं, और इनमें इनमें क्या किया जाता है? इन बर्ड्स को सुरक्षित किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है, इन बर्ड्स के जो गिनती में मान है, उसको कम नहीं होना। तो संरक्षण शब्द से हमें पता होना चाहिए कि संरक्षण का मतलब होता है कि वो मान जो है, उसकी जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट हो जाए। मीन्स मान निश्चित हो जाए, परिवर्तित नहीं हो, उसके मान परिवर्तित नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है? संरक्षण। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि संरक्षण के आगे क्या लगाया हुआ है हमने? द्रव्यमान। क्या लगाया हुआ है? द्रव्यमान। तो यहां पे कौन संरक्षित रहेगा? द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, या द्रव्यमान का मान निश्चित रहेगा, ये मान परिवर्तित नहीं होगा, निश्चित होगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म है इसको समझने की। ये हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम ऊर्जा संरक्षण नियम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ये कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लो, यहां क्या है? मास कंजर्वेशन लो। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मास कंजर्वेशन लो। मीन्स द्रव्यमान जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही द्रव्यमान नष्ट किया जाता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में पहले जो द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होगा। क्या कहा मैंने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जाता है और न ही द्रव्यमान
द्रव्यमान नष्ट किया जाता है। मोटे मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले भी द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का मान बराबर होता है। क्या कहा मैंने? अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान किसके बराबर होगा? अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर। मैंने ये कहा, अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान किसके इक्वल हो जाएगा? अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान। अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन के तत्व और ऑक्सीजन के तत्व आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान किस किस का द्रव्यमान होगा? इस कार्बन का द्रव्यमान होगा और इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। ये हम जब तत्वों के द्रव्यमान पढ़ेंगे वहां पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी आपको। सिर्फ यहां तो इतना ही याद रखना है कि कार्बन का द्रव्यमान प्लस में दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो दो इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये तो अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान था। और अभिक्रिया के बाद क्या है? एक कार्बन का द्रव्यमान प्लस में वही दो ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो 16 होते हैं। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? दो, तो कितने होंगे? 32। तो अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान है वो तो कितना हो गया? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। अब आते हैं हम अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। अभिक्रिया के बाद कितना है? कार्बन 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 16, तो वही 2 × 16, ये भी कितने हुए? 44। तो अभिक्रिया के पहले भी द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर हो गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक अपवाद भी होते हैं, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं वहां पे द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। वहां पे द्रव्यमान पहले का द्रव्यमान और बाद के द्रव्यमान में अंतर आ जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो आपको इतनी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है, वहां पे आपको जरूर लिखना है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण का पालन नहीं करती है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, जो बहुत सारी अभिक्रियाएं लिखी हुई होंगी, कौन सी अभिक्रियाएं हैं जहां पे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। तो मैंने क्या कहा? सभी रिएक्शंस में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। पहले का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान बराबर होता है। लेकिन हमने अभी मैंने आपको एक अपवाद बताया। अपवाद में क्या है? नाभिकीय विखंडन
नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। तो आई होप आपको पहला नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम किसका नियम है? ये रासायनिक संयोग का नियम है। पहला नियम पढ़ लिया हमने, द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब हम दूसरे नियम पे चलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें ये कहता है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम आपका किसका था? सेकंड नियम स्टडी कर रहे हैं अब हम, रासायनिक संयोग के निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। पहले इसको समझने की कोशिश करो। निश्चित अनुपात का नियम हमें क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। क्या कहा? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। किसी भी यौगिक में किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों द्रव्यमान सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे हम बात करें पानी की, जल, जल को हम पानी को वाटर को H2O से डिनोट करते हैं। चाहे ये पानी जो है वो वर्षा का पानी हो, किसी भी फॉर्म में पानी में हो, नीचे मृदा के अंदर पानी उपस्थित हो, कोई भाप बन के पानी हो, कोई बर्फ का पानी हो, सभी पानी, कैसे भी पानी हो, हर एक पानी को हम किस फॉर्म में बताते हैं? H2O में। तो किसी भी यौगिक, यौगिक क्या है? पानी। उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। ये द्रव्यमान किस रेशियो में है पानी में? मैं यहां लिख रही हूं, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की वैल्यू जो होती है वो एक होती है, और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की वैल्यू जो है वो अभी हमने मैंने आपको बताई है 16। ये कहां से मिलेगा? ये आप अभी कंफ्यूज मत होना कि मैम द्रव्यमान लिख रही है, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोगों को मैं कम से कम 20 तत्वों तक के द्रव्यमान जो है वो याद कराऊंगी, क्योंकि द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और आपके आगे जो सिलेबस में है तत्व, तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों के आकार, आगे हम और भी पढ़ेंगे, उनमें दिया हुआ है।
तो अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि हम वॉटर को, H2O जल को, इस फॉर्मूले से, मैंने फॉर्मूले भी लिखना सिखाऊंगी आप लोगों को, जल को जो है वो H2O ऐसे लिखते हैं। अब ये जो H2O है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बर्फ के फॉर्म में भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्षा का जल भी ऐसे ही लिखा जाएगा, जो बर्फ है उसको भी ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद जो भाप है उसके जल को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, और जो मिट्टी के अंदर कोई पानी है उस पानी को भी हम इसी रेशियो में लिखा जाता है। तो हमारा यौगिक क्या है, सब में हम क्या ले रहे हैं, जल। भाई बर्फ क्या है, जल का ही एक अवस्था है, जल की ही एक अवस्था है। भाप क्या है, ये भी जल की एक अवस्था है। मीन्स यौगिक तो हमारा क्या हो गया, जल, सब जगह जल आ रहा है, यौगिक क्या है, जल। और इस यौगिक को हम चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हर एक में इसको H2O ही लिखा जाता है। इसमें भी जल के द्रव्यमान, जल में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात है, अब हम अनुपात निकालना सिखा रही हूं मैं आप लोगों को, H2O ये है H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 होता है, एक होता है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, एक का एक द्रव्यमान, 2 के कितने द्रव्यमान होंगे, 2। और अनुपात निकालने के लिए आप ऐसे लगाते हो, रेशो निकालते हो मैथ्स में। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16, तो 2:16। जब मैं इसको काटूंगी तो मैं यहां 1:2 से काट सकती हूँ, 1:8। यहां पे भी इसका भी 1:8 में है, ये भी 1:8 में प्रेजेंट है, और ये भी 1:8 में प्रेजेंट है। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कोई भी बनाए, किसी भी यौगिक को इंडिया में बनाओ, चाइना में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, उनके संयोग करने का नियम है द्रव अनुपाती नियम, निश्चित अनुपात का नियम, वो हमेशा सेम रहेगा। मीन्स उससे जो फॉर्मूला आएगा उसकी वैल्यू हमेशा निश्चित रहेगी। जैसे हम बात करें अमोनिया की, इस अमोनिया को मैं किसी भी प्रक्रम के द्वारा बनाऊं, हर एक में अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया कैसे लिखते हैं आप, NH3, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, NH3। NH3 फॉर्म में लिखते हैं। अब इस अमोनिया को हम किसी भी परक्रम के द्वारा बनाया जाए, किसी भी परक्रम के द्वारा बनाया जाए, सभी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान रेशो, सभी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान रेशो क्या होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का अभी बोला था मैंने आपको कि द्रव्यमान जो है वो एक होता है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, 3 हाइड्रोजन। तो ये 14:3 की फॉर्म में रहेगा, चाहे ये हैबर प्रोसेस से बनाया गया हो, किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, हम इसमें हमेशा 14:3 ही रहेगा, किसका, अमोनिया का। ये थे आपके 2 रासायनिक संयोग के नियम, 2 नियम पढ़े हमने। एक जो नियम था वो द्रव्यमान संरक्षण नियम था, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि रिएक्शन में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, अभिकारक और उत्पाद,
इन दोनों का द्रव्यमान जो है वो सेम रहता है। दूसरा, निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक में जो उपस्थित तत्व हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में ही संयोग उपस्थित रहते हैं, चाहे इस यौगिक को हम किसी भी परक्रम के द्वारा बनाया गया हो, किसी भी फॉर्म में ले लिया जाए, जैसे हमने पानी पानी की अवस्थाएं चेंज करने पे भी उसके में जो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित था उसका द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, वो 1:8 के रेशो में जुड़े हुए हैं, तो वो भाप में भी 1:8 में है, बर्फ में भी 1:8 में है, और वो चाहे जल हो, लिक्विड फॉर्म हो, तरल पदार्थ में भी पानी 1:8 में ही जुड़ा हुआ है। तो आज हमने ये दोनों नियम पढ़े, इन नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप इनको तैयार कीजिए। अब हम इनके साथ साथ, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मैं उनसे रिलेटेड आपको जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगी, वो भी बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए कि उस टाइम आप क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगी। थैंक यू।